हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। भारत में लगभग 651 प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ये सब हैं। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? अभी अभी भारत की जो सरकार है उन्होंने ये डिसाइड करा है कि 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे हैं, टोटल 13 प्रोटेक्टेड एरिया हैं जिनके आसपास इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। तो इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, एक डायरेक्टिव दिया था हमारे पर्यावरण मंत्रालय को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, कि आप भारत में उन 21 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो जहां पे बफर जोन नहीं है। पहले ये समझते हैं ये कोर और बफर जोन क्या होता है। जब भी कोई प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कोर और एक बफर। ये एक मैं एक सर्कल बना रहा हूं, तो ये सबसे अंदर है कोर। कोर वो प्लेस होती है जहां पे एनिमल्स रहते हैं, जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, जो खास तौर पे लुप्त प्राय होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं, तो वो यहां पे रहते हैं। कंजर्वेशन जो उनका होता है वो कोर एरिया में होता है। उसके बाद होता है बाहर वाला एरिया जिसको बोलते हैं बफर एरिया। तो बफर एरिया में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च होता है या कुछ हल्के फुल्के एस्टेब्लिशमेंट बनाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो होता है बफर एरिया। अब अगर मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें सिर्फ कोर एरिया है और बफर नहीं है, तो क्या होगा? तो सीधा कोर एरिया बाहर शहर या गांव में निकलेगा, राइट? इस वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं? इस वजह से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट यानी मानव पशु संघर्ष हो सकता है, जैसा कि हमने देखा कई जगह पे। अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल था उसका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एरिया है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ बफर जो एरिया है वो बहुत कम होता है, और बफर एरिया जो कम होता है वहाँ पे सीधा कोर एरिया शुगर कैन फील्ड्स में निकल जाता है, यानी गन्ने के खेतों में निकल जाता है। तो इस वजह से हमने देखा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा होते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बफर एरिया वहाँ बहुत छोटा होता है। इस वजह से कोर एरिया से सीधा फिर जो कंटिन्यूटी होती है वो या तो रूरल एरियाज में होती है या शहरों में होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो प्रोटेक्टेड एरिया, वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनके पास बफर जोन नहीं है, वहां पे आप एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करो। तो इको सेंसिटिव जोन यहां डिक्लेयर हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? उससे यह होगा कि ये एक तरह से एक बफर जोन का काम करेगा, एक सूडो बफर जोन का काम करेगा। तो इको सेंसिटिव जोन होते क्या है? इको सेंसिटिव जोन, इनको हम इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया भी बोलते हैं। ये किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, राइट, या बायोस्फीयर रिजर्व हो। एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसके अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दोनों हो सकते हैं। कई बार तो एक से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक से ज्यादा नेशनल पार्क भी एक बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकते हैं। यानी बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है सब, इनके आसपास आपको 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन कहलाया जाता है। याद रखिए ये कोई एक नंबर फिक्स नहीं है 10 किलोमीटर, कई बार 4 किलोमीटर भी होता है, कई बार 60 किलोमीटर भी होता है, तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली 10 किलोमीटर हम मान के चलते हैं कि कम से कम होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड। इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का जो मंत्रालय है वो इन्हें नोटिफाई करता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये प्रोविजन दिए हुए हैं कि सरकार जो है किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकती है अगर वहां पे ये सरकार को लगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बाधा डाल रही है पशुओं के संरक्षण में, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। ये यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया है मैंने। सबसे पहला कि जो इको सेंसिटिव जोन है, ये टर्म, ये शब्द इको सेंसिटिव जोन, ये लिया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 से। दूसरा, इको सेंसिटिव जोन में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो परमिटेड है, यानी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। इनफैक्ट पूरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, उसमें कहीं पर भी ये वर्ड है ही नहीं, इको सेंसिटिव जोन। और दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग परमिटेड होती है, ये ठीक है, इको सेंसिटिव जोन में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ओनली बी। तो तीन तरह की एक्टिविटी होते हैं, ठीक है,
इको सेंसिटिव जोन के विद रेस्पेक्ट। एक तो होते हैं प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी मतलब क्या, जैसे आप वहां सैंड माइनिंग नहीं कर सकते, मिट्टी का खनन नहीं कर सकते, मिनरल्स का खनन नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरह की कमर्शियल माइनिंग अलाउड नहीं होती। वहां पे आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते ऐसी जिनसे पोल्यूशन हो रहा है, किसी भी तरह का पोल्यूशन, चाहे वो एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पोल्यूशन। वहां पे आप बहुत बड़े कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लगा सकते। बहुत ज्यादा वहां पेड़ वगैरह काटना अलाउड नहीं है, कमर्शियल यूज ऑफ वुड अलाउड नहीं है, बहुत ज्यादा पर्यटन अलाउड नहीं है वहां पे। कुछ लिमिटेड पर्यटन अलाउड होता है, लेकिन ऐसा पर्यटन जो वहां पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे वो आप नहीं कर सकते। किसी भी तरह के वहां जहरीले केमिकल वगैरह या कोई सॉलिड वेस्ट वगैरह वहां पे नहीं डाल सकते। ये तो है प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, यानी ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ एक्टिविटी होती है जिन्हें बोलते हैं रेगुलेटेड एक्टिविटी। रेगुलेटेड मतलब ये इनके नियामक होते हैं, यानी कि ये एक्टिविटी आप कुछ लिमिट्स में कर सकते हो या एज एंड वेन आपको परमिशन मिले आप कर सकते हो। जैसे थोड़े बहुत पेड़ गिरा सकते हो, फेलिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन ये सब रिव्यूड होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, राइट। होटल रिजॉर्ट वगैरह बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो किसी तरह का पोल्यूशन ना करें, सस्टेनेबल हो। कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इलेक्ट्रिक केबल वगैरह लगाना, थोड़ा बहुत किसी तरह का एग्रीकल्चर हो वहां पे, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप वहां पे कर सकते हो। ये रेगुलेटेड होना चाहिए। लेकिन जैसे सड़कें बनाना, रोड वगैरह बना सकते हो, लेकिन अगेन इनके लिए परमिशन चाहिए होती है, और वो डिफाइन करते हैं फिर कि आप कितना ये काम कर सकते हो। और तीसरी होती है परमिटेड एक्टिविटी, यानी ये सब अलाउड होता है। जैसे आप वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, पानी को स्टोर कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ ना कुछ सोर्सेज वहां पे लगा सकते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो, तो ये सब परमिटेड है। तो तीन तरह की एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा मैंने बताया, उसमें कहीं पर भी ये वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ, इको सेंसिटिव जोन, राइट। लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में दो क्लॉजेज हैं। एक तो है सेक्शन 325, जो कहता है कि हमारी केंद्र सरकार वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एरियाज को जिनमें किसी भी तरह के इंडस्ट्रीज, ऑपरेशंस या प्रोसेसेस कैरी आउट नहीं किए जा सकते, ठीक है, यानी कि कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। और एक क्लॉज और है सेक्शन 5(1) ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो केंद्र सरकार को बहुत सारी चीजें बैन करने की के लिए एम्पावर करता है, राइट, जिससे वो उस एरिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो जो ये इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, ये इन्हीं दो क्लॉजेस की मदद से किए जाते हैं, राइट। और यही क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन को डिक्लेयर करने के लिए भी। तो इको सेंसिटिव जोन के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा यह है कि जो हमारे दुर्लभ पशु और वनस्पति, पौधे वगैरह हैं, उनकी ये रक्षा करता है, संरक्षण में मदद करता है, उनको लुप्त होने से बचाता है। दूसरा, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकता है। तीसरा, जो हाई प्रोटेक्टेड एरिया हैं और जो लो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उनके बीच में ये ट्रांजिशन जोन का काम करता है, यानी बफर जोन का काम करता है। और चौथा, ये मानव पशु संघर्ष को, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकता है। इसके कुछ नुकसान हैं क्या इको सेंसिटिव जोन के? नुकसान हैं, देखिए, हमेशा एक बैलेंस चाहिए होता है आपको डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में, दोनों चीजें उनमें बैलेंस होता है, आप सिर्फ किसी एक को नहीं पकड़ सकते, राइट। तो कई बार क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन जो है ये एक तरह से नो गो एरियाज के काम करते हैं, यानी कि आप यहां पे नहीं जा सकते या यहां पे जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं कर सकते। तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, जो ट्राइबल हैं या जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं, उनका ये लोकल डेवलपमेंट रोकता है। कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बैन होने की वजह से डेवलपमेंट को रोकता है, राइट। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए कि हम इस तरह से डेवलप हों कि हम अभी की जरूरतों को भी पूरा करें और आने वाली जनरेशन की जरूरतों को भी ध्यान में रखें। लेकिन अगर बैन कर देना किसी चीज को पूरी तरह से, वो ठीक नहीं है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे टाइगर रिजर्व, इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व है टोटल, राइट। टाइगर रिजर्व में क्या टूरिज्म होना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं क्या टाइगर रिजर्व में टूरिज्म होना चाहिए, क्या जो आप ये सुबह सुबह वहां पे गाड़ी में बैठ के जाते हो, क्या उसे टाइगर डिस्टर्ब नहीं होते? होते हैं, राइट। वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं पूरे दिन, वहां पे गाड़ियां लगी रहती हैं लगातार, तो उसे टाइगर डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन फिर भी टाइगर टूरिज्म अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि जब तक मनी नहीं होता, जब तक पैसा नहीं होता, किसी चीज के लिए इंसेंटिव नहीं होता। टाइगर टूरिज्म की वजह से वहां पे बहुत सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और अगर कोई टाइगर रिजर्व है, वो मनी स्पिनर का काम करता है, यानी वो पैसा जनरेट करता है, तो उसके पास एक वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहता है कि वो एनिमल्स को कंजर्व करे। अगर टाइगर्स को कंजर्व करना है तो पैसा चाहिए उसके लिए, तो फिर हम अच्छा स्टाफ वहां पे हायर करेंगे, वहां पे हम जो एंटी पोचिंग स्क्वाड है वो रखेंगे जिससे जानवरों का शिकार ना हो। तो मनी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स होता है कंजर्वेशन में, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज भी करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो या रिप्लेनिश हो जाए।
तो ये एक डिसएडवांटेज है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है, ठीक है, जापान ने उससे विड्रॉ कर लिया है। जापान कहता है आप हमें वेल मछलियों को शिकार करने की इजाजत क्यों नहीं देते, हम इस तरह से शिकार करेंगे, कमर्शियल वेलिंग करेंगे कि उनका नंबर कम ना हो। लेकिन इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का मेंबर जब जापान था तो उसको बिल्कुल अलाउड नहीं था, यानी ये जापान की डेवलपमेंट को रोक रहा था, इसलिए जापान ने उसे विड्रॉ कर लिया। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज बिल्कुल ही बंद हो जाए, उसको इस तरह से यूज करना चाहिए कि हम उसे रीयूज कर सकें। तो इको सेंसिटिव जोन के कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार इको सेंसिटिव जोन जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से। जैसे हमने देखा मार्च 2019 में जो कर्नाटका में बनरघट्टा नेशनल पार्क है वहां पे इको सेंसिटिव जोन कम कर दिया गया था जिससे कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउड हो सके। टूरिज्म की वजह से भी इको सेंसिटिव जोन दे आर कमिंग अंडर इंक्रीज प्रेशर, बहुत दबाव पड़ रहा है इनके ऊपर, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब एक शहर है मान लो, वहां पे रहने के लिए जगह ही नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मुंबई। अब मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं है, मुंबई में जो है बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोग क्या करेंगे फिर, जब धीरे धीरे वो फिर बफर एरिया में जाएंगे, राइट, रहने के लिए धीरे धीरे बफर एरिया पे प्रॉपर्टी बननी स्टार्ट होगी, जब जगह नहीं होगी धीरे धीरे बफर एरिया का एनक्रोचमेंट होगा, यानी इको सेंसिटिव जोन का एनक्रोचमेंट होगा। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी वजह से भी दबाव देखने को मिलता है। कई बार एक्जॉटिक स्पीशी या इन्वेजिव एलियन स्पीशी जो है वो भी इको सेंसिटिव जोन के लिए चैलेंज बन जाते हैं। ये वो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो बाहर से इंडिया में आते हैं, लेकिन फिर हमारी खुद की जो खुद की फ्लोरा और फौना है, यानी खुद के प्लांट और एनिमल है, उनके लिए ये चैलेंज बन जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर, कई बार हमने देखा काजीरंगा के अंदर किस तरह से फ्लड्स आ गए और वहां पे पूरा सारा बफर एरिया खत्म हो गया है। या झूम कल्टीवेशन, कई बार जिसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ट्राइबल्स करते हैं जनरली माउंटेनियस एरियाज में करते हैं, तो इसकी वजह से जो इको सेंसिटिव जोन है उनकी ट्रीज वगैरह जो है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक एरिया में वहां के हम पेड़ जला देते हैं जमीन क्लियर करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां पे पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं और एग्रीकल्चर किया जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है क्योंकि सारे मिनरल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं 2-3 साल एग्रीकल्चर करने के बाद, तो फिर ट्राइबल दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहां भी फिर यही काम करते हैं, तो इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है और एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है। तो ये भी चैलेंज है इको सेंसिटिव जोन के लिए। अभी भारत की सरकार ने जो एरियाज में इको सेंसिटिव जोन अप्रूव करा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु के अंदर है ये 11 सेंचुरी, इनके नाम आपको याद नहीं करने, बस एक जनरल आप एक ग्लांस दे सकते हैं इनमें। ये 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु में है, इनमें कुछ तो बहुत फेमस हैं जैसे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क या पॉइंट कैलमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब। और एक छत्तीसगढ़ में है जो है अचना कमर टाइगर रिजर्व, आपको याद होगा अचना कमर टाइगर रिजर्व ये अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व का पार्ट है, राइट। तो जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो ये अचना कमर टाइगर रिजर्व बन गया था, बट ये अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व का पार्ट है। और महाराष्ट्र में तुंगरेश्वर और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपस में कनेक्टेड है, तुंगरेश्वर और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये इनफैक्ट संजय गांधी नेशनल पार्क से भी कनेक्टेड है, तो आपस में एक दूसरे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कनेक्टेड रहती हैं कॉरिडोर्स के थ्रू। तो तुंगरेश्वर और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में, और छत्तीसगढ़ में अचना कमर टाइगर रिजर्व, इनको भी इको सेंसिटिव जोन्स के लिए अप्रूव कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें यह कहा गया है अब भारत में 30% जो इंडिया के प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो कवर हो गए हैं अंडर द इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन, राइट। और टोटल 651 प्रोटेक्टेड एरिया हैं इंडिया में, इनमें से 316 जो है वो फाइनल ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन के अंडर कवर हो गए हैं, ऐसा सरकार का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा था ये कि आप 10 किलोमीटर का एरिया कम से कम रखो प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए, और लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि भारत की ज्यादातर जो सरकारें हैं राज्यों की उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर जारी किया था 2018 में। सो ये था हमारा वीडियो इको सेंसिटिव जोन, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। एनिमल कंजर्वेशन प्लांट कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है इको सेंसिटिव जोन, और अगर इस पर आप क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर आप हैंडल कर सकते हैं। एक मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं कि इको सेंसिटिव जोन की वजह से जो हमें कैसे बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, तो उस पर आपको 100 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है छोटा सा कि इको सेंसिटिव जोन आर दे इम्पेडिमेंट इन द डेवलपमेंट, क्या वो एक डेवलपमेंट में बाधा डालते हैं, और अगर डालते हैं तो किस तरह से हमें उनको मैनेज करना है। तो ये आपको 100 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, ये आपके यूपीएससी मेंस में ऐसे के तौर पे भी आ सकता है और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी।